बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया जी दोस्तों। आज का जो हमारा ये टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक है। तो बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछ रहे थे कि इस गाड़ी के हमें टैपर्स के मुतल्लिक बताएँ कि इस बाइक के टैपर किए कैसे किए जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके टैपर ये फिलर गेज से बताऊंगा कि इसके टैपर फिलर गेज के हिसाब से किस तरीके से किए जाते हैं, फिलर गेज का क्या नंबर होता है। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। तो दोस्तों इसके टैपर खोलने के लिए सबसे पहले कवर खोलूंगा, उसके बाद इसका प्लग खोलूंगा, क्योंकि इसके दो तरीके से जो है इसका पिस्टन टॉप पर आ जाता है। तो आज मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा कि आप इसके पिस्टन को कैसे टॉप पर ला सकते हैं। सारा नंबर की चाबी की मदद से मैं इसके टैपर कवर खोल लेता हूं। सबसे पहले कोशिश करेंगे दोस्तों, आप जब भी इस बाइक के टैपर करें सुजुकी GS 150 या कोई भी बाइक हो जाए, तो कोशिश करेंगे उसके टैपर आप जो है बाइक ठंडी हो जाए तो तब इसके टैपर आप करें। क्योंकि गर्म बाइक पर टैपर की इधर पोजिशन और तरीके की होती है और ठंडी बाइक पर टैपर की पोजिशन और तरीके की होती है। तो जी दोस्तों, ये अब हमारा जो है प्लग इस वक्त खुल चुका है। और दोस्तों ये प्लग के हिसाब से मैं अक्सर कस्टमर मुझसे जब कहते हैं कि हमारी बाइक का पेट्रोल बाइक ज़्यादा कर रही है, तो मैं नॉर्मली जो है ये प्लग खोल के देखता हूँ। तो प्लग के हिसाब से मैं देखता हूँ कि बाइक कितना एवरेज दे रही है। तो जिस पोजिशन में अब ये प्लग है, तो इस बाइक की तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर तक की एवरेज है। तो नॉर्मली वैसे GS 150 की एवरेज जो है ना 40 से 45 तक उसकी कम से कम एवरेज होनी चाहिए। अब मैं इसके आपको बताता हूँ कि पिस्टन कैसे हम टॉप पर लाते हैं। दो तरीका का होते हैं, ये पेचकस की मदद से बताऊँगा कि इसका पिस्टन किस तरीके से टॉप पर आता है, और उसके बाद मैं आपको उसका जो दूसरा तरीकाकार है उस तरीके से मैं बताऊँगा। तो जी दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा तरीकाकार होता है, हम किक की मदद से इसके पिस्टन को टॉप पर लाते हैं। किक की मदद से हम किस तरीके से चेक करते हैं कि ये दोनों टैपर के इसके जस्टर में देखता हूँ कि दोनों टैपर के जस्टर किस जगह पर रिलीज होते हैं। तो ये अब मैं इसकी नॉर्मल किक मार रहा हूँ, ये टैपर इसका हल्का सा जो है ना ये ऊपर है। तो आप इसके टैपर को हिला के देख लें, तो आपका एक टैपर जो है इसका लूज है, और उसके बाद एक पेचकस की मदद से मैं ये इसको चेक करूँगा। ये पेचकस अब हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है, इसका ये मतलब है कि पिस्टन इसका नीचे है। अब मैं हल्की सी किक मारूंगा और इसके पेचकस को मैं बाहर ये। तो जी दोस्तों, ये पेचकस की मदद से मैं इसका पिस्टन का टॉप चेक कर रहा हूँ। अब ये पेचकस हमारा इतना अंदर जा रहा है, तो अब मैं इसके ये टैपर की एडजस्टमेंट चेक कर लूँगा। यहाँ पर आपके दोनों टैपर जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आप इसकी दूसरी डायरेक्शन पर अगर आपको आ जाता है कि आप इसमें, क्योंकि दो साइड होती हैं पिस्टन, इसका जो मैग्नेट है वो दो साइडों से इसके वालों को खोलता है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसकी दूसरी साइड ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड ऊपर आती है तो उससे इसका जो है ये पिस्टन नहीं घूमेगा। अब ये देखेंगे इसकी अभी दूसरी साइड अब ऊपर आ चुकी हुई है, टैपर भी अब हमारे टाइट हो चुके हैं, और ये पेचकस उसी इतना ही अंदर जा रहा है कि जिस पोजिशन में पहले पेचकस आया था उसी पोजिशन में ही पेचकस जा रहा है। तो इसको सही, आपको मैंने बताया कि इसका तरीका कर ये है कि अब इसको मैं किक मार रहा हूँ, तो इसका ये वाल, ये देखें ये वाल इसका जो है थोड़ा सा रिलीज हुआ है, और इसका ये अब चेक करें, इसका पेचकस जो है इसी डायरेक्शन पे ही है, और यहाँ पर इसके वाल जो हैं हिल रहे हैं। का जो इसका है वो आपको मैं दूसरी साइड से चेक करवाता हूँ कि उस तरीके से भी इसकी जो है टाइमिंग आप पिस्टन टॉप पर ला सकते हैं। तो जी दोस्तों, इसका जो दूसरा तरीका है इसके पिस्टन को टॉप पर लाने का, ये 10 नंबर की एल की आपके पास होना ज़रूरी है। इस साइड से आप इसको ये एल की लगा लें और कोशिश करें कि इसको इस तरीके से खोल लें। बाज़ औक़ात ये पेच इतना ये टाइट होता है कि खोलते हुए स्लिप हो जाता है, इसलिए मैं जो ना इस तरीके से ज़्यादा दूसरे पहले वाले तरीके को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो उसकी मदद से मैं इसके पिस्टन को टॉप पर लाता हूँ। तो अब ये पेच जो है हमारा खुल चुका है, और 17 नंबर की चाबी की मदद से आप इसके इस पेच को भी खोल लें। 14 नंबर की टी की मदद से हम इसके इस पिस्टन को ये चेक कर लेंगे कि इसका पिस्टन जो है वो टॉप पर है कि नहीं है। इसके हम इस साइड से इसके मैग्नेट का जो है वो टी टाइमिंग का वो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो जी दोस्तों, 14 नंबर की टी की मदद से मैंने इसका ये पिस्टन टॉप पर ले आया हूँ। तो इसके अंदर मैग्नेट के अंदर एक ब्रीक सी लाइन है, वो लाइन ज़रा इसकी सुजुकी GS 150 की ज़रा बड़ी मुश्किल से नज़र आती है। तो ये लाइन वैसे अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक हल्की सी लाइन इसके अंदर नज़र आ जाएगी।
तो इस तरीके से भी इसका पिस्टन जो है वो टॉप पर आ जाता है। तो इस तरह आपको चेक कर लेंगे तो इसके टेपर जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो आपके अगर टेपर जो हैं वो रिलीज़ हो जाएं तो आप इन चीज़ों को लाजमी बंद करें। वैसे इसलिए मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ, जो पहले वाला तरीका है ना वो ज़रा इसका आसान तरीका है, उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती पिस्टन को टॉप पर लाने की। तो जी दोस्तों, दोनों तरीक़ाकार से मैंने आपको बताया कि इसका पिस्टन टॉप पर कैसे आएगा। तो ये दोस्तों फिलर गेज आपके पास होना ज़रूरी है। आज मैं आपको वो बताऊँगा कि फिलर गेज के हिसाब से हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो वैसे दोस्तों नॉर्मली सुजुकी GS 150 के हमें टेपर नहीं छेड़ने पड़ते, इस बाइक के टेपर इतनी जल्दी लूज़ या टाइट नहीं होते। हमेशा इसके टेपर तब ख़राब होंगे जब आपने बाइट से किसी दूसरे मैकेनिक से इसके टेपरों को छुड़वाया होगा। तो जी दोस्तों, ये अब इसमें आप ये गेज दे सकते हैं, इसका जो नंबर है 0.04 0.10 mm इस गेज का ये नीचे वाला साइज है, और बल्कि 004 इसका ऊपर वाला साइज है। तो इस गेज की मदद से मैं इसका ये इनटेक का टेपर चेक करूंगा। ये दरअसल इसके टेपर थोड़े मुश्किल से चेक होते हैं, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। गौर से देखें तो ये इस वक्त ये फिलर गेज जो है इस टेपर के अंदर से बिल्कुल टाइट गुजर रही है। इस बाइक के, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इस बाइक के टेपरों को हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं पड़ता, लेकिन मैं चेक ज़रूर करता हूँ। तो इस वक्त इसका इनटेक का जो टेपर है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट का टेपर चेक करवाता हूँ। मैं आपको बताऊँगी, हर गेज का एक अपना साइज़ होता है, चाहिए चाइना की गेज है, अगर आप जापानी गेज लेते हैं तो उसका अपना साइज़ है उसका। ये गेज के हिसाब से 0.06 है और 0.15 mm इसका ये गेज का साइज़ है इसके एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट का इसका टेपर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से चेक होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये Euro 2 का ये पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है, लेकिन हमारा जो है थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाता है, और एक हमें पता होता है कि इसकी गेज को हमने किस तरीके से इसके अंदर से लेके जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सुजुकी GS 150 के टेपर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये बाइक इस वक्त 15,000 चल चुकी भी है, लेकिन इसके टेपर जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए हैं ये गेज के हिसाब से हैं। तो अभी तक इस बाइक के टेपर जो हैं हमने नहीं छेड़े हुए, जेन्युइन टेपर इसके चल रहे हैं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुजुकी GS 150 के टेपर किस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं गेज के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।